तो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर अर्जुन ग्रोवर एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। सो आज जो है वो मैं आपके साथ कुछ इलायची से रिलेटेड रेमेडी शेयर करना चाहूँगा कि हम किस तरह एक इलायची से कई प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। वैसे तो इलायची जो है वो बेनिफिशियल तो है ही है, हमारी डाइजेशन में भी बहुत हेल्पफुल है। कभी कभी जब हमें नौजिया यानी कि वॉमिटिंग सेंसेशन फील हो रही हो तब, और फीलिंग ऑफ फुलनेस कि ओवर ईट हो गया है, तब इसका एक अच्छा रोल तो है ही है। पर इसके साथ साथ जो है इसके मेन यूजेस जो हैं, इसके अलावा इसके मेन यूजेस हमारे मुंह में जो है वो मोस्ट कॉमनली छाले हो जाते हैं। ये सभी ने फेस किया होगा मुँह के छालों की तकलीफ। तो मुँह के छालों में इलायची का पाउडर करके उसे थोड़ा शहद के साथ मिलाकर उस लोकल जगह जहां मुंह के अंदर जहां छाला है वहां पे रेगुलरली अप्लाई करने से हमें छालों में बहुत रिलीफ मिलता है। साथ ही साथ हमें दूसरी बात, बर्निंग मिच्योरेशन यानी कि कईयों को जो बाथरूम में यानी कि जो यूरिन है वो लग कर आता है, वो जलन के साथ आता है, बाथरूम कम आता है, तो उसके लिए 2 से 3 ग्राम जो है यानी कि अंदाजन आधा या आधे से थोड़ा ज़्यादा चम्मच इलायची का पाउडर जो है, उस इलायची के पाउडर में थोड़ी सी चीनी, पाउडर्ड चीनी पीस कर चीनी डालकर मिक्स कर उसका यूज़ करने से आपको बर्निंग मिच्योरेशन यानी कि बाथरूम जिनको लगकर आता है, जिनको कम आता है, उन्हें रिलीफ मिलेगी। बाथरूम लगकर नहीं आएगा और बाथरूम सफिशेंट अमाउंट में आएगा जितना रिक्वायर्ड है, नॉर्मल होगा। इसी के साथ साथ कईयों को हिचकी बहुत आती है, तो हिचकियों में भी जो है वो ये बहुत हेल्पफुल है। किस तरह से, 3 इलायची और 3 लौंग इन्हें डालकर इनका डिकॉक्शन बनाएं यानी इनका थोड़ा काढ़ा बनाएं, नहीं तो आप चाय में भी डालकर इसका यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 इलायची और 3 लौंग इनको रेगुलरली दिन में 2 से 3 बार पीने से, इस काढ़े को या इसे चाय में डालकर पीने से भी आपकी हिचकी से आपको रिलीफ मिलेगा। और साथ ही साथ जिन्हें गैस का इशू रहता है, जिनकी गैस पास नहीं होती, वो इलायची और लौंग ये दोनों साथ मिलकर या तो चबाएं या इसका काढ़ा पिए जैसे कि मैंने कहा है, तो उनको गैस में भी बहुत रिलीफ मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर एंड कॉमेंट और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।